इंटरसिटी एक्सप्रेस से गायब हो गई चेयर कार। बरेली से दिल्ली दौड़ती दो यात्रियों ने किया हंगामा, जाने क्या हुआ, देखें बरेली। नमस्कार, रवि साहू के साथ संवाददाता विजय दक्ष राणा। इस वक्त आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल RBI7 लाइव न्यूज। हर खबर सच्चाई के साथ, सच्चाई का प्रतीक, सच्चाई का आईना। नई दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस को चेयर कार के स्थान पर जनरल कोच लगाकर चला दिया गया। मजबूरी में यात्रियों को जनरल कोच में ही सफर करना पड़ा। इस दौरान यात्रियों ने ऐतराज जताया। यात्रियों ने सुविधाओं के नाम पर ठगने की बात कही। इस मामले में अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं हैं। सुबह एक्सप्रेस को प्लेटफार्म नंबर 4 पर लगाया था। बुधवार सुबह 14:03:15 नई दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस को प्लेटफार्म नंबर 4 पर लगाया गया। यात्रियों ने अपना कोच ढूंढना शुरू किया तो D1 और D2 अनारक्षित कोच में चेयर कार की जगह अनारक्षित साधारण कोच लगा दिया था। पर यात्रियों ने ऐतराज जताया, बताया कि रात को जब ट्रेन दिल्ली से आई थी तो यह जनरल कोच लगे हुए आए थे। जो चेयर कार आम तौर पर ट्रेन में लगाए जाते हैं वे बरेली में उपलब्ध नहीं थे, लिहाजा यही कोच के साथ ट्रेन को चला दिया गया। ट्रेन को 4:30 रिशेड्यूल कर दिया गया। 14:315 नई दिल्ली इंटरसिटी में सफर के लिए सुबह बरेली जंक्शन यात्री पहुंचे तो उन्हें पता चला कि ट्रेन को 4:30 रिशेड्यूल कर दिया गया है। ऐसे में इंटरसिटी एक्सप्रेस को अपने निर्धारित समय 4:55 के स्थान पर सुबह 9:30 चलाया गया। ट्रेन लेट होने के कारण दिल्ली जाने वाले काफ़ी यात्री आला हजरत एक्सप्रेस से निकल गए, जबकि कई यात्रियों ने आरक्षित टिकट वापस कर दिए।